हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो का पहला पार्ट उमा द माउंटेन लोइन देखा होगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो के पार्ट टू को शुरू करते हैं। पुमा और स्नो लेपर्ड का निवास अलग अलग होता है। इससे ये जंगल में तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हम इनकी शारीरिक संरचना, ताकत और इनकी शिकार की क्षमता के आधार पर विजेता घोषित करेंगे। इन तेंदुआ को अंग्रेजी में स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। यह सामान्य तेंदुए से छोटा होता है और उसका वजन 35 से 45 किलोग्राम होता है। इनकी लंबाई 100 से 130 सेंटीमीटर और बदन के बाल लंबे और घने होते हैं। तेंदुए की तुलना में हिम तेंदुए में पूंछ मोटी होती है। हिम तेंदुआ हिमालय की तराई लद्दाख से अरुणाचल में 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई पर मिलते हैं और अपने अस्तित्व का पता न लगने देने वाला यह शर्मिला प्राणी शीत के दिनों में 2000 मीटर की ऊंचाई तक स्थानांतरण करता है। इसके मुख्य शिकार पर्वतीय भेड़, जंगली भेड़, कस्तूरी मृगर, कृतंक वंश के प्राणी और शिकार योग्य पक्षी हैं। स्नो लेपर्ड की बाइट फोर्स लगभग 450 PSI होती है। इन तेंदुआ जिद्दी और तेज तर्रार प्राणी है। यह 15 मीटर लगभग 50 फीट तक लंबी और 20 फीट तक ऊंची छलांग आसानी से लगा सकता है। यद्यपि यह निशाचर है, फिर भी कई बार दिन में भी शिकार करता है। यह लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग सकता है। यह ऊंचे पर्वतों पर से छिपकर विचरण करते समय निचले इलाके में आहार विहार करते प्राणियों पर नजर रखता है और यह अकेला रहना पसंद करता है। इन तेंदुआ सामान्यतः आदमी पर हमला नहीं करता, लेकिन यदि उससे छेड़छाड़ की जाए तो वह जानलेवा हमला कर सकता है। कश्मीर के दाचिगैंग अभयारण्य में 1951 से हिम तेंदुआ को संरक्षण प्रदान किया गया है और 1952 से उसकी खाल के व्यापार पर पाबंदी लगा दी गई है। कूगर आमतौर पर अमेरिका, अलास्का, कनाडा और दक्षिणी चिली में पाया जाता है। इसे कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कूगर, माउंटेन लायन और पैंथर। प्यूमा उत्तरी अमेरिका में सिर्फ फ्लोरिडा में पाए जाते हैं। ये 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 59 से 68 किलोग्राम तक होता है। ये आमतौर पर हिरण खाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर छोटे से लेकर बड़े आकार के जानवरों का शिकार करने में परहेज नहीं करते। पुमा लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग सकता है और लगभग 40 फीट तक लंबी और 15 फीट तक ऊंची छलांग आसानी से लगा सकता है। पुमा की बाइट फोर्स लगभग 720 PSI होती है। पुमा स्नो लेपर्ड से साइज में बड़े होते हैं, जिससे पुमा को अपने आकार का इनकी लड़ाई में फायदा मिल सकता है। यह दोनों जीव पहाड़ों पर रहते हैं, इसलिए इनके पंजे काफी बड़े और मजबूत होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ताकत के मामले में बराबर है, मगर पुमा की बाइट फोर्स और साइज दोनों स्नो लेपर्ड से ज्यादा है। वही स्नो लेपर्ड की रफ्तार पुमा से ज्यादा है। यह दोनों लड़ाई के मामले में बहुत खतरनाक है और यहाँ पुमा के विनर बनने की ज्यादा संभावना है। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों में कौन जीतेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही पहाड़ी शेर की स्नो लेपर्ड, ब्लैक पेंथर, वुल्फ, जगुआर, ईगल, बनबिलाव, एनाकोंडा, सामान्य कुत्ते, पिट बुल और लकड़बग्घा के सांस रोक देने वाले मुकाबले देखने के लिए इसी वीडियो का अगला पार्ट देखना न भूले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, क्या आपने पुमा को शिकार करते हुए देखा है? यदि देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। We tried our best to provide correct facts and information, but the all information are collected from online sources, so please excuse us if you found any wrong information in the video, and comment us in the comment box about the information that you found not suitable. Thanks for watching our videos.
हमने सही तथ्य और जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सभी जानकारी ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र की जाती है। इसलिए कृपया हमें क्षमा करें यदि आपको वीडियो में कोई गलत जानकारी मिली है, और हमें टिप्पणी बॉक्स में उस जानकारी के बारे में टिप्पणी करें जो आपको उपयुक्त नहीं लगी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Disclaimer: Video is for educational purpose only. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Thanks for watching. देखिए ऐसा है कि शासन और प्रशासन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। यह वीडियो सत्य और असत्य दोनों घटनाओं पर आधारित है। इस वीडियो के कुछ पात्र काल्पनिक हैं और कुछ वास्तविक हैं। इसे अपने खोपड़िया का यूज करके समझिए। इसमें यूज किए गए चटपटे वर्ड्स को फन में लें। वीडियो को पूरा देख के लाइक और शेयर करके जाएं, वरना पाप लग सकता है। और कमेंट बॉक्स में उल्टा न करें, मजाक को मजाक की तरह लें और एंजॉय करें।